नमस्ते किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे बांस के बारे में। बांस पौधों का एक बहुमुखी समूह है जो लोगों को पारिस्थितिक, आर्थिक और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। अभी हाल तक यह वनों तक ही सीमित रहा है। पूरे देश में इसकी बढ़ती मांग के साथ औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में फसल के महत्व को कृषि भूमि में भी इसकी खेती की आवश्यकता है। राष्ट्रीय बांस मिशन क्या है? पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2018-19 के दौरान लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय बांस मिशन मुख्य रूप से रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, संग्रह के लिए सुविधाओं के निर्माण, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कुशल जनशक्ति और ब्रांड निर्माण से शुरू होने वाले उपभोक्ताओं के साथ उत्पादकों को जोड़ने के लिए बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। क्लस्टर दृष्टिकोण मोड में पहल। राष्ट्रीय बांस मिशन के उद्देश्य: कृषि आय के पूरक के लिए गैर वन सरकारी और निजी भूमि में बांस के वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन में योगदान देना। किसानों को बाजारों से जोड़ना ताकि किसान उत्पादकों को उगाए गए बांस के लिए एक तैयार बाजार मिल सके और घरेलू उद्योग के लिए उपयुक्त कच्चे माल की आपूर्ति में वृद्धि हो सके। यह उद्यमों और प्रमुख संस्थानों के साथ गठजोड़ के साथ समकालीन बाजारों की आवश्यकता के अनुसार पारंपरिक बांस शिल्पकारों के कौशल को उन्नत करने का भी प्रयास करता है। बांस की क्षमता क्या है? बांस उद्योग संसाधन उपयोग के कई रास्ते खोलकर एक चरण परिवर्तन देख रहा है। बांस पौधों का एक बहुमुखी समूह है जो लोगों को पारिस्थितिक, आर्थिक और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु केम्पागौड़ा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, जिसमें एक वास्तु और संरचनात्मक सामग्री के रूप में बांस की बहुमुखी प्रतिभा साबित हुई है और इस हरित संसाधन की नियति को ग्रीन स्टील के रूप में परिभाषित किया गया है। निर्माण क्षेत्र में डिजाइन और संरचनात्मक तत्व के रूप में उपयोग करने के अलावा बांस की क्षमता बहुआयामी है। बांस से बने पर्यावरण के अनुकूल ढाले जा सकने वाले दाने प्लास्टिक के उपयोग की जगह ले सकते हैं। बांस अपनी तेज विकास दर और प्रचुरता के कारण इथेनॉल और जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए एक विश्वसनीय स्रोत है। बांस आधारित जीवन शैली उत्पादों, कटलरी, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प और सौंदर्य प्रसाधनों का बाजार भी विकास पथ पर है। किसान भाइयों और बहनों, अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी विषयवाद विशेषज्ञ दफ्तर जरूर जाएं। किसान भाइयों और बहनों, कृषि संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के लिए कृषि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।